मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लागू किए अग्निपथ योजना के खिलाफ पिछले 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार के इस फैसले से नाराज देश के युवाओं ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार यानी कि आज सुबह से ही एक बार फिर प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शनकारी और लगातार जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि एक बार फिर से छात्रों का आक्रोश जो है फिर से सामने आया है। कहीं ट्रेन रोका जा रहा है तो कहीं सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शनकारी अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए लागू की गई नई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और इसी बीच मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। रक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत इस साल की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल कर दी है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार यानी कि 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी नई भर्तियों के लिए युवा आयु जो होगी वो 17.5 से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से छात्रों का आक्रोश दिखा है उससे कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि मोदी सरकार ने छात्रों के आक्रोश के सामने युवाओं के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं और इस स्कीम में अब आयु की जो सीमा है उसे बढ़ा दी है। लेकिन अब देखना यह है कि 21 साल से 23 साल करने के बाद क्या फिर भी देश के युवा इस रियायत से खुश होंगे या लगातार जो ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।